नोएडा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां पुलिस ने सबसे बड़ी रिकवरी की है। 13 किलो 9 ग्राम सोने की 10 ईंट और आभूषण बरामद के साथ ही 57 लाख रुपए का कैश बरामद किया है। साथ ही 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के कागजात भी पुलिस ने बरामद किए हैं, जिसमें 6 लोग गिरफ्तार किए गए। बताया जा रहा है कि इन चोरों ने पिछले साल ग्रेटर नोएडा के सिल्वर सिटी सोसाइटी में चोरी की थी। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। पुलिस ने कुल 8 करोड़ 25 लाख के काला धन की बरामदगी की। खबर नोएडा से, जहां चलती कार आग का गोला बन गई। दरअसल नोएडा के सेक्टर 37 महामाया फ्लाईओवर के पास चलती कार में भीषण आग लग गई। कुछ ही देर में देखते ही देखते कार पूरी तरह से धुंधु कर जलने लगी। वहीं कार चालक ने समय रहते कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। कार में आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। पूरा मामला थाना सेक्टर 39 का है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, तस्वीर उसी गाड़ी की है जिसमें अचानक आग लगी। हाथरस में दबंगों के हौसले बुलंद दिख रहे हैं, जिन्होंने मामूली बात में एक ई रिक्शा ड्राइवर की जमकर पिटाई कर डाली। बाइक निकालने को लेकर इनकी ई रिक्शा ड्राइवर के साथ कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद इन लोगों ने ई रिक्शा चालक की जमकर पिटाई कर दी। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे सरेआम ये दबंग ई रिक्शा चालक को पीट रहे हैं। ये पूरा मामला हाथरस गेट कोतवाली इलाके के राम मंदिर के सामने का बताया जा रहा है। पंचायतों में ग्राम प्रधान समेत कई और पदों के लिए कल दोबारा मतदान होना है। यूपी में कल यानी शनिवार को कुल 1,40,000 खाली पदों पर मतदान होगा, जिसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। लेकिन कल होने वाले मतदान में सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना नियमों का पालन करवाना सबसे बड़ी चुनौती होगा। गोरखपुर में भी प्रशासन ने चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिले के कुल 155 बूथों पर कल 74,000 मतदाता वोट डालेंगे। इसको लेकर जोनल और सुपर जोनल मजिस्ट्रेट तैनात कर दिए गए। और कौशाम्बी में त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां ब्लॉकों से रवाना हो गई। कल सुबह 7 बजे से 56 ग्राम पंचायत के 57 बूथों में मतदान होगा। उपचुनाव में कुल 192 ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए 376 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। कुल 1174 लोग निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। अभी भी 17 ग्राम पंचायत सदस्य पद रिक्त हैं। कोरम पूरा ना होने के चलते 114 ग्राम पंचायतों का गठन नहीं हो सका, जबकि 333 ग्राम पंचायतों का गठन भी हो चुका और निर्वाचित ग्राम प्रधानों को शपथ भी दिला दी गई। मतदान के दौरान कोई गड़बड़ी ना हो, बूथों में फोर्स की तैनाती सुनिश्चित कर दी गई है। मिशन 2022 को फतह करने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को फतह करने के लिए मेरठ में भाजपा के दिग्गजों ने मंथन किया। पंचायत चुनाव में पार्टी के कमजोर प्रदर्शन की समीक्षा में प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल ने साफ कह दिया कि प्रत्याशियों की योग्यता का सही आंकलन करने में मंडल संगठन नाकाम साबित हुआ। लेकिन आगे ऐसा ना हो और खामियों को दूर कर 2022 की यूपी की फतह की तैयारी में जुटे। हालांकि सुनील बंसल ने मीडिया से तो बात नहीं की, लेकिन पश्चिम के प्रभारी JPS राठौर ने इतना जरूर कहा कि न जिला अध्यक्ष बदले जाएंगे और न महानगर अध्यक्ष, पार्टी इसी टीम के साथ चुनावी मैदान में उतरे। चर्चा कई बिंदुओं पर हुई, जिसमें जो कोरोना महामारी है उसके संबंध में भी पार्टी ने जो तय किए हैं कार्यक्रम कि जो पोस्ट कोविड बहुत से लोग हैं बीमार हो रहे हैं, उनको किस तरीके से हम सहयोग करके उनको क्या दवाई की ज़रूरत है, डॉक्टर का परामर्श की ज़रूरत है, तो हम डॉक्टरों की एक टीम बनाएं और उनको सुविधा पहुंचाएं। यूपी सरकार की ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा मैनपुरी के करहल इलाके में पहुंचे, जहां पर उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान श्रीकांत शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लोगों को बिना रोक टोक के बिजली उपलब्ध कराई जाए। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि उपभोक्ताओं का उत्पीड़न किसी हालात में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी उपभोक्ता को शिकायत है तो वो बिजली विभाग में फौरन इसकी शिकायत दर्ज कराएं। उन्होंने कहा कि जिला मुख्यालय में 24 घंटे, तहसील क्षेत्रों में 20 से 22 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है। सदस्य उपभोक्ता है, उपभोक्ताओं का उत्पीड़न किसी भी स्तर पर स्वीकार है, उनकी समस्याओं का अविलंब निस्तारण हो, रोस्टर के अनुसार सबको बिजली मिले,
लोड बैलेंसिंग ट्रांसफार्मर की हो जाए, स्टेशन पर जो ट्रांसफार्मर है उसके फीडरों के हिसाब से उसका जो लोड है, अगर उसमें आवश्यकता है तो और ट्रांसफार्मर वहाँ स्थापित कर दिया जाए। तो हमने MD दक्षिणांचल को आदेशित किया है कि सभी जिलों में जो दक्षिणांचल के जिले हैं उनकी वो आने वाले एक दो दिन में समीक्षा करेंगे। आम आदमी पार्टी अब कानपुर विक्रोकांड के गुनहगार विकास दुबे और अमर दुबे के परिवार की महिलाओं की पैरवी में उतर आई। मेरठ में आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष अंकुश चौधरी की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और परिवार की चार महिलाओं को रिहा करने की मांग की। अंकुश चौधरी ने कहा कि पुलिस एनकाउंटर में मारे गए अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे समेत चार महिलाओं को जेल भेजा गया था, लेकिन अब तक की जांच में इन महिलाओं की विक्रू कांड में कोई भूमिका नहीं पाई गई। ऐसे में सभी निर्दोष महिलाएं 10 महीने से बेवजह जेल में बंद। आज हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार बढ़ रहा उसको लेकर और विक्रू कांड में जो खुशी दुबे को जिसको पुलिस ने 10 महीने से जबरन वो जेल में बंद है, उसका 2.5 साल का बच्चा, एक दूसरी जो महिला है, चार महिलाओं को इन्होंने बंद किया हुआ है। हमारा कहना इतना है कि जब उस समय तत्कालीन SSP ने ये बयान दिया, आप सब लोगों को पता चला कि उनका कोई दोष नहीं है, उसको रिहा करने वाले, उसके बाद भी आज 10 महीने हो गए हैं, उसकी हालत बद से बदतर है, वो अस्पताल में भर्ती है। खुशी दुबे जो 2 दिन की बिहारता उस घर में आई हो, उसने क्या कॉन्स्पिरेसी की होगी। लखनऊ पहुंचे केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह ने योगी सरकार को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि जो भी योजनाएं पर्यटन के लिहाज से चल रही थी उन्हें समय से पहले ही पूरा करा लिया जाएगा। प्रहलाद सिंह ने बताया कि विकास की ज्यादातर योजनाएं नवंबर से पहले ही पूरी कर ली जाएंगी और उन योजनाओं के लिए केंद्र सरकार ने यूपी सरकार को 125 करोड़ रुपए दिए हैं। उन्होंने बताया कि यूपी सरकार ने धार्मिक स्थलों के लिए भी प्लान दिया है, उसमें भी केंद्र सरकार अपना पूरा योगदान देगी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह ने शहीदों के लिए अमृत महोत्सव को लेकर भी यूपी सरकार की तारीफ की। वहीं ये बताया कि वाराणसी के घाटों के लिए काम किया जाएगा। कानपुर के नजीराबाद में पुलिस और नगर निगम के दस्ते को उस वक्त बैरंग वापस लौटना पड़ा जब यहां पर महिलाओं और लड़कियों ने जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया। दरअसल पुलिस और नगर निगम की टीम यहां पर सुअर पकड़ने के लिए पहुंची थी, लेकिन सुअर पालकों ने इसका विरोध किया। इसके बाद सुअर पालकों के घर की महिलाएं और लड़कियां हंगामा करने लगीं और दस्ते की गाड़ी को रास्ते में ही रोक लिया। बाद में पुलिस ने सभी को हटाकर गाड़ियों को बमुश्किल रवाना किया। वहीं इस कार्रवाई का विरोध करने के लिए लोग नगर निगम के मुख्यालय भी पहुंचे, जहां पर इन लोगों ने निगम के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष सुषमा सिंह आज बागपत पहुंची, जहां उन्होंने जन स्वास्थ्य केंद्रों में साफ सफाई की व्यवस्था का निरीक्षण किया। साथ ही महिलाओं और लड़कियों के टीकाकरण को लेकर उनकी समस्याओं को भी जाना। इस दौरान उन्होंने महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी के बयान से असहमति जताई। दरअसल मीना कुमारी ने कहा था कि माता पिता को अपनी लड़कियों को मोबाइल नहीं देना चाहिए क्योंकि इससे अपराध बढ़ता है। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान पर सफाई भी पेश की। आता है कि अगर बच्चा 18 साल से छोटा है तो घर में माता पिता की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों पे वो थोड़ा सा नजर रखे, उनको समय समय पे समझाते रहे। और केवल लड़कियों के लिए ये बात कहना, मेरा ये मानना है मोबाइल हो या कोई भी एप्लीकेशन हो या कुछ भी हो, किसी भी चीज़ का यूज़ पॉजिटिव में करेंगे तो वो एक अच्छा रिजल्ट देता है और उसको नेगेटिव में करेंगे तो वो नेगेटिव रिजल्ट देता है। वाराणसी सहित पूरे पूर्वांचल में ब्लैक फंगस का कहर जारी है। BHU के 3 वार्ड फुल हो चुके हैं, लेकिन मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। चिकित्सक इसे खतरनाक मान रही हैं और इससे बचने के उपाय बता रहे हैं। कोरोना के बाद पूर्वांचल और वाराणसी पर ब्लैक फंगस आफत बनकर टूट पड़ा है। आलम यह है कि BHU के 3 वार्ड मरीजों से भरे हैं और अभी भी नए मरीजों का आना जारी है। पूर्वांचल में अब तक ब्लैक फंगस से 42 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी यहां 127 एक्टिव केस हैं। जो भी ब्लैक फंगस के केसेस वाराणसी जनपद के आसपास के जिले जो हमारे मंडल से या अन्य मंडलों से करीब 12-13 जिलों के पेशेंट्स जो हैं मरीज यहां पर ENT स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट और वहां पे सामान्य फिजिशियन जो है मेडिसिन में प्रोफेसर हैं, ये सब इस केसेस की देखभाल कर रहे हैं और सुचारू रूप से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
और उनकी प्रॉपर सर्जरी हो रही है, उनको मेडिसिन उपलब्ध कराई जा रही है। दरअसल कोरोना के दौरान ऑक्सीजन और दवाइयों का इस्तेमाल ब्लैक फंगस की बीमारी का बड़ा कारण बन रहा है, लेकिन 42 मौतों ने पूरे पूर्वांचल को हिला दिया है। जनपदीय आंकड़ों पर गौर करें तो बलिया में ब्लैक फंगस के 9 केस, मऊ में 4, सोनभद्र में 8, चंदौली में 1 केस और आजमगढ़ में 23 केस आ चुके हैं। यानी पूर्वांचल के लगभग हर जिले में ब्लैक फंगस अपना कहर ढा रहा है और चिकित्सक इसे कोरोना से भी बड़ा खतरा मान रहे हैं। ब्लैक फंगस बिल्कुल एक खतरनाक बीमारी है और इसे कभी बिल्कुल भी लाइटली हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि जिन लोगों को ब्लैक फंगस की समस्या हो जा रही है और ट्रीटमेंट में डिले हो रहा है, उन लोगों को देखा जा रहा है कि ब्लैक फंगस 2-3 दिन में ही ये हमारे नाक से होता हुआ हमारे साइनसेस को प्रभावित कर रहा है और हमारे आँख के पीछे के हिस्से को जिसको हम ऑर्बिट बोलते हैं वहाँ से होता हुआ सीधा ब्रेन या दिमाग में चला जा रहा है। ये स्टेज सेकंड स्टेज होती है जब हमारी आंखों को प्रभावित करता है, जब ये इसकी प्रोग्नोसिस काफ़ी ख़राब हो चुकी होती है, और जब अगर ये दिमाग को प्रभावित कर देता है तो सिर्फ 20-30% लोगों के मरीजों की जान बचाई जा सकती है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद ब्लैक फंगस एक बड़े खतरे के तौर पर सामने दिखाई दे रहा है। वाराणसी में 127 मरीज अभी भी ब्लैक फंगस के भर्ती हैं BHU में, और इसके साथ ही अब तक 42 मरीजों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि बनारस के साथ पूरे पूर्वांचल में ब्लैक फंगस का कहर जारी है और ये ब्लैक फंगस अब आम जनता सहित प्रशासनिक महकमे को डराने लगा है। BHU में 3 वार्ड फुल हो चुके हैं और 4th वार्ड में मरीजों को शिफ्ट किया जा रहा है। आगे आने वाले दिनों में ब्लैक फंगस को लेकर प्रशासनिक अलर्ट जारी किया जा चुका है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, ABP गंगा, वाराणसी। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, PM आवास पर चल रही बैठक खत्म हो गई है। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा हुई। यूपी समेत 5 राज्यों में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव। बैठक में PM मोदी, अमित शाह और JP नड्डा मौजूद थे। PM आवास पर लगभग 3 घंटे तक ये बैठक चली है। अविनाश मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अविनाश, क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी, क्या खास रहा इस बैठक में? देखिए प्राची, अगर बात करें तो संगठन को लेकर BJP ने तैयारियां शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज पर यह बैठक हुई जिसमें गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा शामिल हुए। तमाम सारे पहलुओं पर चर्चा हुई कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, विधानसभा चुनाव में जाना है, क्या स्ट्रेटेजी लेनी चाहिए, क्या चुनौती है हमारे सामने और उन चुनौतियों का किस तरीके से सामना करें। क्योंकि अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड वो महत्वपूर्ण राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाने की कवायद में जुट गई है और राष्ट्रीय संगठन महासचिव BL संतोष ने दोनों ही राज्यों में जाके वहां की पूरी रिपोर्ट तैयार करके लाके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा को सौंप दी है। अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने इन तमाम सारी रिपोर्ट का मुआयना करने के बाद आज ये बैठक की है प्रधानमंत्री के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी आज सुबह बैठक हुई थी, उसमें भी तमाम सारी चीजों को लेकर चर्चा हुई और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सहयोगी दल लगातार अपनी डिमांड रख रहे हैं उसको लेकर भी चर्चा हुई। क्योंकि निषाद पार्टी ने अपनी जिस तरीके से डिमांड रखी कि उत्तर प्रदेश के 3 जिला पंचायत अध्यक्ष पद उसे दिए जाए, इसके साथ साथ प्रदेश में और केंद्र में उसे सहभागिता दी जाए सरकार के अंदर, और इसके साथ साथ अगर बात करें सीटों को लेकर भी कहीं ना कहीं उसने अपनी बातचीत की है। वहीं अनुप्रिया पटेल जो की अपना दल प्रमुख है उन्होंने भी अपनी मांग रख दी है। तो अब इन्हीं सब बीचों को बातों को लेकर गृहमंत्री और पार्टी अध्यक्ष और प्रधानमंत्री तीनों के बीच मंथन हुआ है कैसे सहयोगियों को साथ में रखते हुए आगे आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तैयारी की जाए और सरकार और संगठन में किस तरीके से समन्वय रखा जाए। बिल्कुल, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसी को लेकर अब मंथन भाजपा में शुरू हो चुका है। अविनाश, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। कोरोना की दूसरी लहर ने किस कदर कहर बरपाया, इसकी वानगी देखने को मिली है प्रयागराज में, जहां कोरोना ने एक बेटी का पूरा परिवार ही उजाड़ डाला। वहीं उससे भी ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि ये बेटी अब सरकारी मदद के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को इसकी बेबसी पर भी तरस नहीं आ रहा। ये है प्रयागराज की वो बेबस बेटी जिसका कुछ वक्त पहले तक भरा पूरा परिवार था, लेकिन कातिल कोरोना ने एक के बाद एक उसके परिवार के सभी सदस्यों की जिंदगी निकल ली और अब इस परिवार में सिर्फ यही बेटी बाकी रह गई। माता पिता और छोटी बहन को खोने वाली ये बेटी पहले ही जहनी तौर पर टूट चुकी है और अब सरकारी सिस्टम भी इस बेटी की कोई सुनवाई नहीं कर रहा, जिस वजह से ये अपने ताऊ जी के साथ सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर है।
हाँ, जो भी अभी तक जो मैं मदद मिल पाई है वो सिर्फ पापा के स्कूल से और मम्मी के स्कूल से हुई है, इंडिविजुअल्स हुई है, लेकिन जो कोविड से जिनकी डेथ हुई है अगर उसके बिहाफ पे पूछा जाए तो अभी तक कोई भी मदद नहीं मिली है। पंचायत चुनाव में लगी ड्यूटी के दौरान इस अनाथ बेटी के माता पिता कोरोना संक्रमित हो गए थे और अस्पताल में इलाज के दौरान दोनों ने एक ही दिन दुनिया को अलविदा कह दिया। इस वाकये के 10वें दिन सदमे में इस बेटी की छोटी बहन का भी निधन हो गया और अब इस दुनिया में ये एकदम अकेली हो गई है। इस मायूस बेटी को भरोसा था कि सरकारी मदद से उसके जख्मों पर मरहम लगेगा, लेकिन अभी तक मायूसी और लाचारी की शिकार इस बेटी को प्रशासन की ओर से एक फूटी कौड़ी की मदद तक नसीब नहीं हो पाई है। दावे किए थे, अब हमको तो नहीं एहसास हो रहा है कि कुछ उसके दावे हमको तो कहीं लगा नहीं, ना ही किसी ने पूछा आज तक। अनाथ हो चुकी इस बेटी की दुनिया पहले ही उजड़ चुकी है और अब सरकारी सिस्टम की अनदेखी उसके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। सवाल ये है कि क्या सरकारी कर्मचारी इस कदर अंधे हो चुके हैं कि उन्हें इस बेटी की लाचारी भी दिखाई नहीं दे रही। प्रयागराज से एबीपी गंगा के लिए मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे भाजपा को लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बयान पर यूपी के मंत्री अनिल राजभर ने पलटवार करते हुए कहा कि ओम प्रकाश राजभर सिद्धांत विहीन है और ऐसे लोग पहले भी दावा कर रहे थे कि पूर्वांचल में भाजपा कभी नहीं जीत सकती, लेकिन नतीजे आने के बाद राजभर जैसे लोगों का मुंह बंद हो गया था। जो लोग कागज की कश्ती बनाते हैं और कागज की कश्ती पर सवार रहते हैं, जिनका न आगे न पीछे का कुछ पता, न दाएं का कुछ पता, न बाएं का कुछ पता, ऐसे सिद्धांत विहीन लोग आज ट्वीट की राजनीति कर रहे हैं और प्रश्न उठा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। अभी यही लोग 2 साल पहले जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो यही बात कहे थे और पूर्वांचल में 2 सीट से ज्यादा भाजपा जीत जाएगी तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे, ऐसा भी इन्होंने कहा था। परिणाम क्या आया ये सब लोग जानते हैं। नोएडा प्राधिकरण में करीब 100 करोड़ रुपए का एक घोटाला सामने आया है जिसमें गेझा तिल पताबाद गांव में उन किसानों को मुआवजा बांट दिया गया जिन्हें पहले ही जमीन अधिग्रहण के लिए मुआवजा मिल चुका था, लेकिन मुआवजा पाने वाले लोगों में उन किसानों का नाम भी है जो कोर्ट में नोएडा प्राधिकरण से मुआवजे का मुकदमा हार चुके थे। हैरान करने वाली बात तो यह है कि यह गड़बड़ी करीब 6 साल पहले हुई थी, लेकिन प्राधिकरण के अधिकारी घोटाले की फाइलों को दबाकर बैठे हुए थे। फिलहाल नोएडा प्राधिकरण सीईओ ऋतु महेश्वरी का कहना है कि पूरे मामले की जांच अभी भी की जा रही है और इस मामले में विभागीय कार्रवाई के साथ साथ दोषियों पर FIR भी दर्ज कराई जा रही है।